नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक ऐसा योग जिसकी वजह से इंसान जीवन में कभी भी आर्थिक दृष्टि से स्थिर नहीं हो पाता। आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति के पास जो यहाँ पर हम लोगों को जनरली सुनाई देता है कि मेरे पास पैसे टिकते नहीं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, या तो फिर कर्जा ज़्यादा हो गया है, कर्जे में से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये जो सारे स्टेटमेंट होते हैं, ये जो सारे वाक्य होते हैं, उसको प्रदर्शित करने वाला योग जिसको बोला जाता है दारिद्र्य योग। तो दारिद्र्य योग बनता कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। जनरली हमारे जो पत्रिका होती है, कुंडली होती है, कुंडली का छठा, आठवां और बारहवां स्थान, ये तीनों स्थान खड्डे के स्थान गिने जाते हैं, नकारात्मक स्थान है वो। जब भी ग्यारहवां स्थान जो लाभ स्थान है पत्रिका का, वो ग्यारहवें स्थान का मालिक या ग्यारहवें स्थान का संबंध छठे, आठवें या बारहवें स्थान से आता है, तो ऐसे योग को दारिद्र्य योग बोलते हैं। और ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक आर्थिक दृष्टि से जीवन में कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। एक दारिद्र्य यानी एक बोलते हैं ना कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से व्यक्ति को एक प्रकार से अपने आप को गरीब महसूस करते रहता है, अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर महसूस करते रहता है। ऐसा कोई दारिद्र्य योग आपकी भी पत्रिका में है नहीं है, ये अगर आपको जानना है तो आपको आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे देना होगा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। बाद में आपकी पत्रिका मैं आपको बनाऊंगा और आपकी पत्रिका बना के मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पत्रिका में दारिद्र्य योग है नहीं है, और अगर है तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली उपाय करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की पत्रिका के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, भाव के हिसाब से जो उसके उपाय होते हैं वो उपाय डिफरेंट होते हैं। खैर, आज के मुख्य विषय पर आते हैं, दैनिक राशि भविष्य के ऊपर। और दैनिक राशि भविष्य के आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिनांक 20 सितंबर 2021 सोमवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज के दिन कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आपका जो आपके जो सहकर्मी हैं, जो नौकरी पेशा है, उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे आपको सहयोग मिलते रहेगा, जिससे आपको जो लक्ष्य पूर्ति करने हेतु आपको आगे बढ़ना है आपके कार्यक्षेत्र में, उसमें आपके काम जो है वो सुचारू रूप से होते रहेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चिंताजनक घटना होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। कोई महत्वपूर्ण घटना घटने के आसार दिख नहीं रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी या तो आपके किसी भी निकटतम यानी आपके जो परिवार के सदस्य हैं उसमें जिनके साथ में आपको ज़्यादा निकटता महसूस होती है, वैसे व्यक्ति के साथ में भाषा में कठोर भाषा का उपयोग ना करें, हो सके तब तक अपने गुस्से के ऊपर और वाणी के ऊपर संयम रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन में जो लोगों को एसिडिटी या तो पित्त प्रकोप से होने वाली परेशानी का ऑलरेडी जो सामना कर रहे हैं, उन लोगों को आज खाने पीने में ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज कोई जो व्यापारी वर्ग हैं उनको, खास करके जो बड़े समय से कोई आपके सौदे की बात चल रही है, तो वो बातचीत आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में उसके सौदे के हिसाब से आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा आर्थिक फायदा होगा। आपकी मानसिक परिस्थिति भी बहुत ही उत्साहजनक महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में मनोरंजन संबंधित गतिविधियां चलती रहेगी, जिससे पारिवारिक माहौल भी बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य भी ज़्यादातर आपका आज अच्छा ही रहेगा। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने के अवसर दिख रहे हैं। खास करके जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग रेडीमेड गारमेंट के दुकान में काम करते हैं, उन लोगों को आज काफ़ी अच्छे आर्थिक फायदे की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ में कुछ अच्छी पदोन्नति के भी आपको चांसेस मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में आपसी तालमेल सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के आखिर में नस या तो नाड़ी की जकड़न से दर्द महसूस हो सकता है, थोड़ी सावधानी आपके लिए आवश्यक रहेगी। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर।
सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज आपने जो भी अपने जो खास करके व्यापारी वर्ग हैं, जिन्होंने व्यापारी वर्ग ने जो अपने खुद के उत्पादन का जो प्रचार प्रसार किया है उससे आधारित आज आपकी बिक्री बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे वित्तीय फायदा भी काफी अच्छे हद तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक जीवन में किसी भी परिस्थिति को बगैर समझे अपनी तीखी प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा जो पारिवारिक माहौल आपका स्थिरता वाला चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, वो अस्थिर और अशांति फैलने के योग बन रहे हैं। सेहत की दृष्टि से ज्यादा कोई तकलीफ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी शारीरिक थकान या कमजोरी महसूस होने की संभावना है। खाने पीने में आज आपका ज्यादा ख्याल रखें। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज रोजाना कामकाज में उलझने बढ़ती हुई दिखाई देगी, परिस्थितियां आपके सामने विपरीत होते हुए दिखाई देगी और उसके कारण आपको मानसिक अस्थिरता भी महसूस हो सकती है। किसी भी प्रकार का आज वित्तीय लेन देन करना हो तो उसमें जल्दबाजी भरा निर्णय ना लें। पारिवारिक दृष्टि से आज के दिन में किसी भी प्रकार की बहस या तो किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखें और सेहत की दृष्टि से आज सेहत आपकी सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज जो ग्राहक हैं, खास करके जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको आज ग्राहकों की चहल पहल बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिससे बिक्री में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और उसके चलते आर्थिक जो आपका फायदा है वो भी आपको काफी अच्छा होगा। भाग्य का आज सहयोग पूरा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आज काफी प्रशंसा पात्र बनने के संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच में मधुरता बढ़ती हुई नजर आएगी। सेहत के अंदर आज त्वचा संबंधित जिनको किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है उनको आज ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज ज्यादा सतर्कता से काम करने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार की विवाद भरी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें। पारिवारिक जीवन में आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपकी मानसिक प्रसन्नता में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको कमर में नसों से संबंधित तकलीफ है, यानी कमर के भाग में जिनको नसों की स्टिफनेस यानी नसों की जकड़न महसूस होती है, उसके हिसाब से आपको दर्द महसूस होता है, वैसे लोगों को आज ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज कामकाज से संबंधित कोई भी अच्छी बढ़ोतरी मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से संबंधित नौकरी पेशा है उनको आज कुछ अच्छा डील यानी अच्छा सौदे की बात बनते हुए नजर आ रही है। पारिवारिक या तो आपके गृहस्थी जीवन में आप जितना भी हो सके उतना अपने भाषा के ऊपर संयम रखिएगा। आप कहीं पर भी किसी भी सदस्य के साथ में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना कर जाए, वो आपको ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। सेहत की दृष्टि से आज अगर आपको कहीं पर बाहर जाना है तो बाहर का तला हुआ पदार्थ, ज्यादा चटपटा पदार्थ या तो जंक फूड खाने में से परहेज करें, अन्यथा कब्ज या तो पेट से संबंधित विकार से आपको ग्रस्त होने की संयोग बन रहे हैं। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज कामकाज में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तेजी काफी अच्छी तरह से आने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन वो तेजी बढ़ने के कारण आपके प्रतिस्पर्धी भी बढ़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा का सामना भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण खास करके ये राशि के व्यापारी वर्ग हैं उनको आपकी जो न्यूनतम बिक्री के दर होते हैं उससे भी नीचे उतरकर आपको आपकी बिक्री करनी पड़ेगी, जो आपके लिए मानसिक अस्थिरता लाएगी, लेकिन फिर भी दिन के आखिर तक में वो आपको फायदा ही देके जाएगी। पारिवारिक दृष्टि से आज पारिवारिक जीवन सुख शांति भरा दिखाई दे रहा है। सेहत की दृष्टि से ज्यादा थकावट महसूस ना होने की संभावनाएं बनती हैं या तो मानसिक व्यग्रता होने की संभावनाएं बनती हैं, जिसकी वजह से आज आपको सलाह दी जाती है कि ज्यादा वायु प्रकोप पैदा करने वाले यानी जो शरीर में गैस पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं वैसे पदार्थ आज कम खाएं। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी, जो आगे के समय में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों के कारण पारिवारिक जीवन आपका अस्थिर और डामाडोल होते हुए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य के दिन के उत्तरार्ध में जो लोगों को कमर की जकड़न महसूस हो रही है या कमर में किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा है उनको ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत रहेगी। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर।
मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा जो भी आपको नुकसान होगा वो नुकसान आपको आपकी जेब से भरना पड़ सकता है, जिसके कारण व्यावसायिक दृष्टि से नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी आर्थिक दृष्टि से भी आपकी व्यक्तिगत रूप से भी आपको आर्थिक नुकसान होने के संयोग पूरे बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से जीवन साथी के साथ क्लेश होने की संभावनाएं बन रही हैं। परिस्थिति को अगर आपको नियंत्रण में रखना होगा तो आपके गुस्से के ऊपर आपको काबू रखने की सलाह दी जाती है। शारीरिक दृष्टि से या तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सेहत में आज मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन या सरदर्द होने की संभावना है। खास करके जो लोग माइग्रेन या हाइपरटेंशन के ऑलरेडी पेशेंट हैं उन लोगों को आज ज़्यादा अपनी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। तो मित्रों, ये थी दिनांक 20 सितंबर 2021 सोमवार के दिन के दैनिक राशि भविष्य की जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, ऐसे ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोग सेहतमंद रहो, खुशहाल रहो, यही प्रार्थना करते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।